नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाहरुख खान की। जी हां, खबर आई है कि शाहरुख खान को 25 लाख का चूना लगा है। जी हां, शाहरुख खान जो बॉलीवुड के किंग है, जिसके लिए 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ रुपए भी कम नहीं है, वही उन्हें 25 लाख का चूना लगा। आखिर बड़ी बात तो है उनके फैंस के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। वहीं आपने देखा कई सेलिब्रिटीज के बारे में सुनने में आ रहा है कि कई सेलिब्रिटीज के बैग चोरी हो रहे हैं, होटल से किसी की ज्वेलरी चोरी हो गई। वहीं अब शाहरुख खान को, जो कि किंग खान है, और उन्हीं के घर से। दरअसल आपको बता दें इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान ने थोड़े समय पहले ही अपने घर की एक नेम प्लेट बनवाई थी। जी हाँ, मन्नत की एक नई नेम प्लेट बनवाई और लगवाई। फैंस, हालांकि कई लोग इस नेम प्लेट को पसंद भी कर रहे थे और कई फैंस ऐसे भी थे जो पहले नेम प्लेट को बहुत पसंद करते थे। एक अलग पहचान उस नेम प्लेट की बन चुकी थी, उसके साथ कई फैंस के फोटोज भी थे। अब ये नई वाली नेम प्लेट के साथ भी सब फैंस जाते हैं और फोटोज खिंचवा कर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब देखा गया कि वहां से, यानी मन्नत के बाहर से, मन्नत नेम प्लेट जो है वो गायब है। अब इस बीच लग रहा है कि वो 25 लाख की नेम प्लेट आखिर गई का। जी हाँ, उस नेम प्लेट की कीमत जब वो नेम प्लेट बनी तो 25 लाख बताई गई थी, और अब ये लग रहा है जिस तरह से वो नेम प्लेट गायब हो गई तो आखिर 25 लाख का चूना शाहरुख खान को लग गया। लेकिन आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पता लगा है कि वो नेम प्लेट का एक डायमंड जो है वो गायब हो गया था, वहां से गिर गया था कहीं और वो खो गया था। लेकिन इसी बीच उसको रिपेयरिंग के लिए भेजा गया है, जो कि अब रिपेयर होके आ जाएगी। बाकी क्या सच्चाई इसके पीछे की अभी तो नहीं पता, वो सामने आएगी तो जरूर अपडेट्स में हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ा शॉक फैंस को तो लग ही गया है। लगातार ऐसी अपडेट्स आती रहती हैं शाहरुख खान को लेकर। लास्ट कई ऐसी अपडेट्स आई जिसमें शाहरुख खान अपनी फिल्म की शूट में बिजी हैं, कई ऐसी फिल्म कुछ ऐसी फोटोज भी वायरल हो रही हैं। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने छोटे भाई अब्राहम खान को गोदी में बिठाई बैठी है, सीनेस लगाई बैठी है और अपनी एक प्यारे से पोज दे रही है। वहीं इस फोटोशूट में आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे दोनों दिखाई दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुहाना खान जो है कई फोटोशूट में दिखाई देती है और एक अलग लुक उनका दिखाई देता है। इसी बीच सुहाना खान के लिए भी खबर आ रही है कि वो अपनी डेब्यू फिल्म शुरू करने वाली है, जिसका टीजर आपने देखा, जिसमें सुहाना खान है, साथ ही खुशी कपूर है। कई ऐसे जो यंगस्टर्स हैं वो यहाँ से डेब्यू करने जा रहे हैं, जिस तरह से सुहाना खान करने जा रही है। शाहरुख खान लगातार अपनी तरह एक एक्टिंग का जो कीड़ा है वो अपनी बेटी में भी देख चुके हैं, उनकी बेटी में भी वही चीज है। और जिस तरह से सुहाना अचानक से लाइमलाइट में निकल कर आई है, कई बार फैंस की नजर जो है, जो मीडिया रिपोर्ट्स की, जो मीडिया की नजर है वो सुहाना तक पहुंच जाती है। लेकिन वहीं सुहाना के साथ अब सुहाना भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने ही वाली है। वही देखने वाली बात होगी कि क्या सुहाना खान भी अपने पिता शाहरुख खान की तरह किस्मत चमकाती है या नहीं, कैसी उनकी जर्नी बॉलीवुड में रहती है, वो देखने वाली बात होगी। लगातार ऐसे अपडेट्स हम आपको भेजते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।